नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी जनरल सर्जरी पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज एनेस्थीसिया एंड पेन मैनेजमेंट. सीवोफ्लोरिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फ्रॉम इनहेलेशन ग्रुप फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, वेरी एज प्रोपोफोल इज द डीओसी फॉर आईवी ग्रुप. तो सीवोफ्लोरिन जो होती है वो इनहेलेशन ग्रुप से, इनहेल करने के ग्रुप से आती है, ड्रग ऑफ चॉइस है. और आईवी ग्रुप में ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोपोफोल फॉर एनेस्थीसिया. दो एनेस्थीसिया की ड्रग्स हैं. देन आ जाता है सक्सिनाइलकोलीन जो कि स्केलेटल मसल को रिलैक्स करती है. तो सक्सिनाइलकोलीन जो है ये डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है दैट इज यूज फॉर द ईटीटी इंट्यूबेशन. एंड क्या क्या इसकी वजह से कॉज हो सकता है, साइड इफेक्ट्स क्या है, हाइपरकैलेमिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया. मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो सक्सिनाइलकोलीन से मसल एक्स फॉर पेन. देना जाते हैं आईवी एट्राक्यूरियम. ये आईवी एट्राक्यूरियम जो होते हैं ना ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया फॉर मसल रिलैक्सेशन. तो मसल रिलैक्सेशन के एनेस्थीसिया में मेंटेन रखना है मसल रिलैक्सेशन को, तो वो आईवी एट्राक्यूरियम के थ्रू होगा. तो हमने चार ड्रग्स पढ़ी हैं, सीवोफ्लोरिन फॉर इनहेलेशन ग्रुप, प्रोपोफोल आईवी ग्रुप से, सक्सिनाइलकोलीन मसल रिलैक्सेंट डीपोलराइजिंग मसल के ईटीटी इंट्यूबेशन में, और आईवी एट्राक्यूरियम इसको मसल रिलैक्सेशन को मेंटेन रखेगा. पर एयरवे मेंटेनेंस के लिए आपने जाथस, किडल एयरवेज, लेरेंजियल मास्क, ईटीटी, ट्रेकियोस्टोमी करती हैं. जो लेरेंजियल मास्क एयरवे है ना इसके ज़्यादा रिस्क होता है फॉर रेस्पिरेशन निमोनिया एज कम्पेयर टू ईटीटी के. जो मोस्ट रिलायबल वे है टू मेजर द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ईटीटी आफ्टर इंसर्शन इज टू चेक एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. तो जो मोस्ट रिलायबल वे होता है कि ईटीटी ट्यूब करेक्ट अपनी जगह पर आ गई है कि नहीं, तो इसको हम कैसे देखेंगे ईटीटी की प्लेसमेंट आफ्टर इंसर्शन. तो हम एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन देखते हैं. इसके बाद इफ़ जनरल एनेस्थीसिया हैज़ टू गिवन अर्जेंटली इन इमरजेंसी में, तो आपने सिकल मैनूवर, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन या फिर रिक्वायर्ड कंप्रेशन करनी है ताकि एस्पिरेशन ना हो. हेलोथेन का टॉक्सिक इफेक्ट, हेलोटॉक्सिसिटी, हेपाटोटॉक्सिसिटी ही होती है. मोस्ट कॉमन यूज जो लोकल एनेस्थेटिक है वो लिडोकेन या ज़ाइलोकेन ही होती है, जिसको हम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, मोस्ट कॉमन भी है और ये लोकल होती है. तो इसी तरह एक और जो लोकल है वो ब्यूपिवेकेन होती है. ये मोस्ट पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक है लेकिन ये टॉक्सिक भी ज़्यादा है और कार्डियोटॉक्सिसिटी काज करवा सकती है. तो इस वजह से हम आईवी यूज़ नहीं करते हैं. तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में इसको इंट्राथिकल यूज़ कर रही होती हैं ओनली. तो ये हमने ब्यूपिवेकेन के बारे में पढ़ लिया कि मोस्ट पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक है, कार्डियोटॉक्सिसिटी करवा देती है, इस वजह से हम आईवी यूज़ नहीं करते, लोकली यूज़ करती हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में. द सेफेस्ट लोकल एनेस्थेटिक जो है ना, सेफेस्ट कौन सी है, वो प्राइलोकेन है. हैंस इट कैन बी यूज फॉर द बियर्स ब्लॉक इन अपर एबनीमिया, बियर्स ब्लॉक के लिए इसको यूज़ करते हैं. बट प्राइलोकेन कैन कॉज मेथिमोग्लोबिनीमिया इफ बियर ब्लॉक इज यूज इन लो नीमिया, इट इज़ मोर टॉक्सिक एज कम्पेयर टू अपर लिम. दो सेफेस्ट प्राइलोकेन है बट सिर्फ हम इसको बियर्स ब्लॉक अपर लिम के लिए करें, लोअर लिम के लिए नहीं करेंगे. और इसके टॉक्सिक इफेक्ट होती है मेथिमोग्लोबिनीमिया कॉज करवा देती है. देन फेंटेनाइल और रेमीफेंटेनाइल आर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ओपियाइड यूज इन TIVA. तो जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है वो फेंटेनाइल होगी. हाइएस्ट स्टेप इन WHO स्टेप लैडर एनर्जीजिया इज रीजनल ब्लॉक. तो जो हाइएस्ट स्टेप है WHO स्टेप लैडर एनर्जीजिया में, हाइएस्ट स्टेप है रीजनल ब्लॉक का. नो द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट वुंड अल्सर्स एंड टिश्यू रिपेयर. तो टाइडी वुंड्स मैनेज विद प्राइमरी क्लोजर. जो टाइडी वुंड्स होते हैं उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, टाइडी वुंड्स मैनेज विद प्राइमरी क्लोजर से मैनेज हो जाएगा. अनटाइडी वुंड्स जो होते हैं वो इफ लेस देन 6 आवर्स है तो हम उसमें देखेंगे कन्वर्ट इट टू टाइडी वुंड और फिर उसके बाद प्राइमरी क्लोजर कर देंगे. अगर मोर देन 6 आवर्स है तो फिर आपने डिलेड प्राइमरी क्लोजर या टर्शरी क्लोजर करवाना होता है. एनी वुंड ऑन फेस कैन बी मैनेज बाय द प्राइमरी क्लोजर बिकॉज फेस हैज द रिच ब्लड सप्लाई. इन एनी वुंड मैनेजमेंट ऑलवेज अडजस्ट ए TLS प्रोटोकॉल. इन टाइडी वुंड्स में रिपेयर ऑल द डैमेज्ड टिश्यूज जो होते हैं उनको रिपेयर करें एंड ऑल्सो सुचर द वेसल्स. वेसल्स आर सुचर्ड बाय द नाइलोन और प्रोलीन. वेसल्स को आपने हमेशा नाइलोन सुचर से या प्रोलीन सुचर से करना होता है. इन ऑल बाइट वुंड्स
गिव एरोबिक एंड एन एरोबिक प्रोफाइलेक्सिस, जिसमें आपने जरूर देनी होती है। देन आ जाता है डी ग्लविंग इंजरी इज बाय क्रश एवर्जन फोर्स इन विच स्किन और सबकुटेनियस जो टिश्यूज होते हैं गेट स्ट्रैप्ड ऑफ एंड अंडरलाइंग टिश्यू एक्सपोज हो जाती है जो क्रश इंजरीज होती हैं। तो उसकी मैनेजमेंट में आपने सीरियल एक्सीजन करनी होती है अंटिल यू फाइंड द वाइएबल टिश्यू, जब तक आपका नहीं मिल जाता, देन डू द सप्लीट स्किन ग्राफ्ट। तो ये था डी ग्लविंग इंजरी के लिए। फिर आ जाता है प्रेशर सोर्स हैपन होते हैं इन 5% हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट होते हैं ना, 5% हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में प्रेशर सोर्स होते हैं जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उसमें कॉमन है, 5% है ये मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रेशर सोर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस्कियम के ऊपर मोस्ट कॉमन साइट होती है। वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रेशर सोर्स और डायबिटिक अल्सर। या प्रेशर सोर्स में आपने वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर करनी होती है, VAC। मोस्ट कॉमन जो क्रोनिक वूंड है वो है लेग अल्सर। तो एंड मोस्ट कॉमन लेग अल्सर इज वीनस अल्सर। मोस्ट कॉमन जो क्रोनिक वूंड होता है वो लेग अल्सर का होता है, और जो कॉमन लेग अल्सर है वो कौन सा हो सकता है, दैट इज वीनस अल्सर। द मेन काज ऑफ वीनस लेग अल्सर इज वीनस लेग अल्सर कैसी हो जाती है, वो एम्बुलेटरी वीनस हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ फेरिकोज वेंस की वजह से एम्बुलेटरी वीनस हाइपरटेंशन से है, इन दोनों की वजह से हो सकता है। देन जाता है बिस्गार्ड रिजीम इज़ यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ वीनस अल्सर। तो अब इस वीनस अल्सर जो कि मोस्ट कॉमन लेग अल्सर है वेरिकोज वेन से हुआ है, इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे, बिस्गार्ड रिजीम इसके लिए यूज़ होती है, इलास्टिक कंप्रेशन देते हैं एंड लेग की एलिवेशन करवा के रखते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, अगर ब्लंट ट्रॉमा हुआ है तो उसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा, लीड्स टू 6P वो जो पैरास्थीजिया और पेन पर्शिंगली रेड इस तरह की चीज़ होती हैं, लीड्स टू 6P बिकॉज ऑफ आर्टीरियल अक्लूजन हो जाती है, उसमें आर्टीरियल्स के अक्लूजन होने की वजह से 6Ps आते हैं। बट दी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है इज पेन ऑन पैसिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट पे पेन हो रहा होता है। इफ पेशेंट ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम प्रेजेंट्स करती है, अगर प्रेजेंट्स कर जाता है अर्ली तो आपने डू फिशियोटमी, इफ लेट देन फिर एम्पुटेशन करनी पड़ जाती है। गॉड किलॉइड इज ड्यू टू प्रोलीफ्रेशन ऑफ इमेच्योर फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यू। किलॉइड जो होता है ना वो इमेच्योर फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यू होता है, उसकी प्रोलीफ्रेशन की वजह से किलॉइड बन जाता है। एंड इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ वूंड्स, जो हमारे पास वूंड था उसकी बाउंड्री से बियॉन्ड चला जाता है और ये प्रोलीफ्रेशन हो रही होती है एक इमेच्योर फाइब्रोप्लास्टिक टिश्यू की। तो जो दो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है किलाइड का, तो हम क्या कर रहे होते हैं, सर्जिकल एक्सीजन तो बाद में है, पहले आप इंट्रालियन वहाँ पे स्टीरॉइड्स लगाते हैं, वहाँ से किलाइड ठीक होना शुरू हो जाता है, अदरवाइज सर्जिकल एक्सीजन कर देते हैं। तो ये था सब कुछ पेन एनेस्थीजिया वगैरह के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक सर्जरी नगेट्स। द साइट फ्रॉम वियर स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट थर्श ग्राफ्ट इज टेकन heals spontaneously used for large area by making meshwork from it and can be used in large leg wounds. It is not useful for cosmetic surgery. ये cosmetic surgery के लिए नहीं होता, जो हम split thickness graft लेते हैं वो लार्ज एरिया को कवर करने के लिए ले रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन डोनर साइट ऑफ स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट इज थाई, मोस्ट कॉमन थाई से लेते हैं, बट इन चिल्ड्रन इट इज़ फ्रॉम बटक्स। फुल थिकनेस ग्राफ्ट वोल्फ ग्राफ्ट इज यूज टू कवर स्मॉल एरिया। तो जो था हमारे पास स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट वो था थियर्श ग्राफ्ट, वो हो रहा था स्पॉन्टेनियसली कर रहा था जो हम के ले रहे थे लार्ज एरिया के लिए, जबकि जो ये होता है फुल थिकनेस ग्राफ्ट वोल्फ ग्राफ्ट है, इट इज़ यूज टू कवर द स्मॉल एरिया, हैज़ बेटर कॉस्मेटिक आउटकम एंड इज़ यूज टू कवर द फेशियल वुंड्स। तो फेशियल वुंड्स के लिए फुल थिकनेस ग्राफ्ट वुल्फ ग्राफ्ट हो गया, और लेग वगैरह के लिए थियर्श ग्राफ्ट हो गया। ग्राफ्ट कैन ओनली बी अप्लाइड टू द एरिया विच हैज़ वेस्कुलर सप्लाई इंटैक्ट। तो आप सिर्फ उसी जगह पर लगाएंगे जहाँ पर उसकी इंटैक्ट है ब्लड सप्लाई, बिकॉज ग्राफ्ट डज नॉट कैरी इट्स ओन ब्लड सप्लाई। फ्लैप कैरीज इट्स ओन सप्लाई विद एट विद इट ना, तो फ्लैप कैरी करता है अपने साथ अपनी ब्लड सप्लाई को। If flap has some known blood vessel, it is called axial flap. If not known vessel, then random flap. अगर the flap has its own blood supply, then it is called axial flap.
अगर उसके साथ वेसल नहीं है तो दैट इज़ रैंडम फ्लैप. टू लेंथन दी माइनर स्कार को आपने लेंथन करना है. एंड स्मॉल फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, स्मॉल फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है या फिर आपने माइनर स्कार को लेंथन करना है तो आपने जी प्लास्टिक करनी होती है. दी मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिलीज स्कार एंड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी इज़ वी वाई प्लास्टी. या रिलीज करना है स्कार को, मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिलीज स्कार एंड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी इज़ वी वाई प्लास्टी. ग्राफ्ट सर्वाइवल ऑन रेसिपिएंट एरिया इन फर्स्ट 48 आवर्स डिपेंड अपॉन करता है इम्बिबिशन, जिसके थ्रू वो ब्लड सप्लाई लेता है, न्यूट्रिशन लेता है टू दैट एरिया. फ्लैप मसल हो सकता है, बोन हो सकता है, नर्व टेंडन कुछ भी हो सकता है. मसल फ्लैप लेते हैं लैटिसमस डोर्साई का बैक पे जो लगा हुआ है, यूज फॉर द ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन. बोन फ्लैप आल्सो नोन एज द पेडिकल फ्लैप, बेस्ट एग्जांपल फिबुला होती है फॉर जॉ रिकंस्ट्रक्शन के लिए. नर्व फ्लैप है स्यूरल नर्व, और जो टेंडन फ्लैप है वो पाल्मेरस लॉन्गस का टेंडन है. और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट की रिजेक्शन ऑन रेसिपिएंट एरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस. फ्री फ्लैप कैन बी टेकन फ्रॉम एनी वेयर एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू क्लियरली डिफाइंड आर्टरी, तो वो रैंडम फ्लैप होता है. फ्री फ्लैप इज टेकन फ्रॉम एन एरिया एंड इज एनास्टोमाइज ऑन आर रेसिपियंट एरिया विद एन अदर वेसल के साथ हम उसको एनास्टोमोस कर देते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट प्लास्टिक सर्जरी. हमने पढ़ा स्प्लिट थिकनेस ग्राफ जो हम लार्ज एरिया के लिए यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद पढ़ा फुल थिकनेस ग्राफ्ट, वो ग्राफ जो कि हम स्मॉल एरिया कॉस्मेटिक आउटकम के लिए फेस वगैरह पे यूज़ करते हैं. बच्चों में बटक से लेते हैं और बड़ों में थाई से लेते हैं स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट का. और ग्राफ्ट उसने कहा है कि उस एरिया पे लगाएं जिससे लेके ब्लड सप्लाई उसकी इंटैक्ट होती है वहाँ पर लगाएंगे. अगर फ्लैप के साथ अपनी ब्लड सप्लाई है तो एक्सियल होगा, अदरवाइज वो रैंडम फ्लैप होगा. अगर आपने माइनर स्कार को लेंथन करना है तो जी प्लास्टिक करेंगे. अगर आपने स्कार को रिलीज करना है, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी को रिलीज करना है, तो आप वी वाई प्लास्टिक कर देंगे. फर्स्ट 48 आवर्स में इम्बिबिशन के थ्रू वो लेते हैं. मसल फ्लैप हम लैटिसमस डोर्साई से लेते हैं. बोन का फ्लैप जॉ कंस्ट्रक्शन के लिए हम फिबुला से लेते हैं. नर्व का स्यूरल नर्व से, टेंडन का पाल्मेरस लॉन्गस से लेते हैं. कॉमन ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस होता है. और रैंडम फ्लैप हम ले लेते हैं और उसकी एनास्टोमोसिस कर देते हैं. तो ये है प्लास्टिक सर्जरी के नगर्स. इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सर्जिकल इन्फेक्शन, सर्जिकल स्किल्स, स्टीराइल प्रिकॉशंस नगर्स. जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अब्सेस मैनेजमेंट है, इंसीजन और ड्रेनेज होती है. बट दी कोल्ड अब्सेस इज मैनेज ओनली बाय द एस्पिरेशन. अगर कोल्ड अब्सेस है तो एस्पिरेशन, अदरवाइज सब कर देते हैं इंसीजन एंड ड्रेनेज. सर्जिकल इंसीजन साइट वाउंड्स आर बेस्ट मैनेज्ड बाय द डिलेड प्राइमरी क्लोजर. तो जो सर्जिकल इंसिजन साइट वाउंड होते हैं उसकी डिलेड प्राइमरी क्लोजर करते हैं. इफ़ आ सर्जन गेट्स कंटेमिनेटेड विद HIV पॉजिटिव ब्लड, इमीडिएट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स के साथ स्टार्ट करते हैं एंड कंटिन्यू फॉर 1 month. अगर सर्जन कंटेमिनेट हुआ है, कटिंग नीडल्स होलो आर यूज फॉर स्किन एंड एपोनीरोसिस. स्किन और एपोनीरोसिस के लिए आपने क्या यूज़ करते हैं, कटिंग नीडल्स और होलो. स्किन एंड एपिनोसिस के लिए राउंड बॉडी नीडल्स आर यूज्ड फॉर लेप्रोटमी वाउंड्स के लिए. राउंड बॉडी नीडल्स होती हैं इंटेस्टाइनल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस के लिए. ब्लड वेसल क्लोजर के लिए राउंड बॉडी नीडल्स आर यूज्ड फॉर लेप्रोटमी वाउंड्स, इंटेस्टाइनल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस ब्लड वेसल क्लोजर के लिए. होलो कटिंग नीडल्स होती हैं हैव गॉट हाईएस्ट चांस इन स्प्रेडिंग HIV ट्रांसमिशन. तो सो यूज राउंड बॉडी नीडल इफ यू आर ऑपरेटिंग अपॉन HIV पेशेंट्स. तो विक्राइल सूचर हैज गॉट एक्सीलेंट नॉट, सो यूज फॉर गट एनास्टोमोसिस के लिए आप विक्राइल सूचर यूज करें. पुरोलीन प्रोपाइलीन इज अ मोनोफिलामेंट सूचर एंड इज यूज्ड इन रिपेयर ऑफ वेसल्स, हर्निया, एब्डोमिनल वॉल. प्रोलीन सीजर यूज़ होता है बिकॉज इट हैज़ गॉट एक्सीलेंट इंटेग्रिटी ऑफ होल्डिंग. एज ए जनरल रूल ऑल वेस्कुलर एनास्टोमोसिस शुड बी डन विद नॉन एब्जॉर्बेबल प्रोलीन सीजर से आपने वेस्कुलर एनास्टोमोसिस करनी होती है. ड्यूरिंग एम्बोलेक्टमी इफेमरल आर्टरी इज कट बाय ट्रांसफर्स इन CN, कार्बन ट्रांसफर इन CN दिया. और फेमरल आर्टरी अगर कट हो जाती है एम्बोलेक्टमी में, क्लोज इट विद प्रोलीन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसीजन. इफ एमरल आर्टरी इज कट बाय लॉन्गिट्यूडनल इंसीजन तो इज क्लोज इट विद वेन पैच. फॉर द डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन ऑफ ऑल द स्कोप्स, एंडोसिस्टो ब्रोंकोस्कोप्स,
की स्टीराइजेशन के लिए यूज़ आए द 2% ग्लूटराइड और पैरास्टिक एसिड, कोई भी स्कोप है तो उसको आपने करना है 2% ग्लूटराइड और पैरास्टिक एसिड फॉर प्लास्टिक यूज एथिलीन ऑक्साइड फॉर स्टीराइजेशन। ये फाइन कटिंग सीजर है तो एथिलीन ऑक्साइड एथिलीन ऑक्साइड और हॉट एयर ओवन फॉर स्टीराइजेशन। इफ रेस्पिरेटरी थेरेपी इंस्ट्रूमेंट तो फॉर्मल्डिहाइड फॉर डिसइंफेक्शन, थर्मामीटर एंड स्टेथोस्कोप के लिए अल्कोहल है।